उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक दिवसीय रायबरेली दौरा आज है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दौरे पर सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, साथ ही साथ विकास कार्यों को लेकर आला अधिकारियों से न सिर्फ रूपरेखा तैयार की बल्कि किस तरीके से विकास की गति को और तेज किया जा सकता है इस विषय में भी चर्चा की। डिप्टी सीएम सीमो ऑफिस में बने एएनएम सेंटर का निरीक्षण करने गए और फिर हाल उनका काफिला वहां से महिला जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रायबरेली को वह प्रदेश का नंबर वन जिला बनाएंगे, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। सरकारी अस्पताल में आया हुआ मरीज उनके लिए भगवान है, सभी को समुचित इलाज मुहैया कराए जाना ही ये मुख्य कार्य है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी खामियां मिल रही हैं उनको दूर करने का भी काम किया जा रहा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने व दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने उन्हीं की जुबानी। रायबरेली के विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा हुई है। सभी विभागों के बारे में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको हमने जाना है। जो कार्य धीरे चल रहे थे उनकी प्रगति तेज करने के लिए कहा गया है। रायबरेली में अपराध शून्य करना है, यहाँ किसी भी स्थिति में कानून से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिजली की सुचारू रूप से सप्लाई सबको मिले, ट्रांसफार्मर समय से बदले जाएं, इसके अलावा जो ओवर बिलिंग की मामले हैं उनको कैंप लगा करके निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो बरसात के कारण गड्ढा सड़कों में हो गया उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। जो एक विशेष मार्ग है इनोना मार्ग, उसकी शिकायत मिली है, उसका प्रोजेक्ट भेजने के लिए शासन कहा गया, उसको हम पास करा करके देंगे। और जनपद का चतुर्मुखी विकास करना हमारा फर्ज है और रायबरेली को हम नंबर एक पर लाएंगे विकास के मामले में, कानून का राज के मामले में। हम और हमारी टीम जो हमारे साथ जनप्रतिनिधियों की है, हमारे अधिकारियों की है, सब लोग मिलजुल करके रायबरेली की जनता के लिए राउंड द क्लॉक काम करेंगे। किसी भी स्थिति में रायबरेली को हम नंबर एक पर लाएंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग में देखिए हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। उत्तर प्रदेश के सभी मरीजों को भगवान मान करके हम सेवा कर रहे हैं और हर स्थिति में उनको हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। रायबरेली जनपद हमारे मुख्य एजेंडे में है, यहाँ जो भी दुरुस्त करने लायक व्यवस्थाएं उनको हम दुरुस्त करेंगे। सबको निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जाँच, डॉक्टर नियमित समय से बैठे, ऐसे निर्देश दिए हैं। और औचक निरीक्षण के लिए कभी भी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। रायबरेली बैठक हुई अभी, उसमें क्या निष्कर्ष क्या निकल के आए हैं? नहीं, एक तो इनोना मार्ग का विषय आया जो लंबे अरसे से लोगों की मांग थी, मैंने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि मैं एक बार से इसको कराऊंगा और डीएम ने भी इस विषय को रखा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी इस विषय को रखा। इसके अलावा जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण विषय था जिसको सख्ती से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और मेरे हिसाब से मेडिकल में जो समस्याएं थी, क्योंकि विभाग था हमारे डिप्टी सीएम साहब का, तो उन्होंने उनको छोटी छोटी तक जानकारी थी, उन्होंने अच्छे से गहन समीक्षा की उसकी और गुणवत्ता परक इलाज लोगों को मिले, इसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किए हैं। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में रायबरेली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं।